द टॉपिक वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो इज सिरिंजो माइलिया बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कंडीशन है जो कि जनरली एग्जाम्स में पूछी जाती है इसको अंदर हम इसके अंदर हम लोग मेनली तीन चीजें डिस्कस करेंगे या फिर तीन चीज़ें समझेंगे फर्स्ट वॉट इज सिरिंजो माइलिया मतलब सिरिजो माइलिया एक्चुअली में होता क्या है वॉट हैपन्स इन सिरिंजो माइलिया एंड वॉट आर द काजेज ऑफ सिरिंजो माइलिया तो सिरिंजो माइलिया सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज सिरिजो माइलिया तो इसके नाम से ही समझ में आता है कि सिरिंज सिरिंज दैट इज सिरिंग्स सिरिंग्स का मतलब होता है फ्लूड फिल्ड सिस्ट या फिर फ्लूड फिल्ड कैविटी और माइलिया मतलब ऐसी कोई भी कंडीशन जो कि स्पाइनल कॉर्ड से एसोसिएटेड हो तो उसको हम लोग माइलिया कहते हैं मतलब अगर हम लोग इन दोनों टर्म्स को जोड़े तो हमें यह समझ में आता है कि एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर एक फ्लूड फिल्ड कैविटी या फिर सिस्ट का फॉर्मेशन होता है इन द सेंट्रल कनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड अब सेंट्रल कनाल ऑफ़ द स्पाइनल कॉर्ड जिसमें सी एस एफ फ्लो करता है वहाँ पर फ्लूइड फिल्ड सिस्ट या फिर कैविटी का फॉर्मेशन हो रहा है इसके मेनली कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं फर्स्ट इज द कंजेनाइटल कॉजेज हो सकते हैं कुछ एक्वायर्ड काजेज़ हो सकते हैं जैसे कि ट्यूमर्स हो गया इन्फेक्शंस हो सकता है या फिर ट्रॉमा या फिर कोई एक्सीडेंट इसका कॉज हो सकता है तो ये डिफरेंट कॉजेज़ हो सकते हैं सिरिंजोमाइलिया के नेक्स्ट और लास्ट चीज़ हम लोग समझेंगे कि इसके अंदर होता क्या है तो जो नर्व्स होते हैं जो कि क्रॉस करते हैं सेंट्रल कनाल को वो इस कंडीशन के अंदर इफेक्ट हो जाते हैं ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है कि सेंटर पार्ट इफेक्ट हो रहा है इसके अंदर मतलब सेंट्रल कनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इफेक्ट होता है और फिर यहाँ से ये धीरे धीरे एक्सपेंड करने का एक्सपेंड कर एक्सपैंड करता है ओके okay? तो ये कैसा कंडीशन है जो कि सेंटर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड को इफेक्ट कर रहा है तो ऐसी कोई भी नर्व्स जो कि इस सेंटर पार्ट को क्रॉस करेंगी वो नर्व्स इफेक्ट हो जाएंगी ये नर्व्स मेनली होती है एंट्रोलेटल स्पेनोथलमिक ट्रैक की हमें पता है कि एंट्रोलेटल स्पेनोथलमिक ट्रैक जो होता है जब क्या होता है कि जो वो इंफॉर्मेशन होता है जब आता है ये डॉर्सली सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन आता है उसके बाद सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन आता है वो सबसे पहले उसको क्रॉस करता है और उसके बाद फाइनली ये एंट्रोलेटल स्पेनोथलमिक ट्रैक से ऊपर की तरफ इंफॉमेशन जाती है तो एंट्रोलेटल स्पेनोथर्मिक ट्रैक्ट एक्चुअली में दो पार्ट होते हैं इसके एक एंटीरियर पार्ट होता है और एक लेटरल स्पेनोथेलमिक ट्रैक्ट होता है तो जो एंटीरियर स्पेनोथेलमिक ट्रैक्ट होता है वो इन्फॉर्मेशन लेकर के आता है क्रूड टच का और जो लेटरल स्पेनोथेलमिक ट्रैक्ट होता है वो इन्फॉर्मेशन लेकर के आता है पेन और टेम्परेचर का तो जब एंट्रोलेटल स्पेनोथेलमिक ट्रैक्ट इफेक्ट हो गया मतलब इसकी नर्व्स जो हैं वो इफेक्ट हो गई या फिर हैम्पर हो गई तो इसकी वजह से जो क्रूड टच का सेंसेशन था पेन और टेम्परेचर का जो सेंसेशन होता है वो लॉस्ट हो जाता है सिरिंजो के कंडीशन में तो ये एक शॉर्ट uh, क्लिनिकल हमने डिस्कस किया सिरिंजो के बारे में दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब अर चैनल इफ यू वॉन्ट नोट्स फॉर दिस वीडियो और मोर सच वीडियोज मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो थैंक यू